हत्या की साजिश रच रहे 6 अपराधियों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए सभी अपराधियों का पुराना इतिहास रहा है। मामले की जानकारी देते हुए पटना के SSP गरिमा मलिक ने बताया कि ये सभी पालीगंज स्थित खिड़ी मोड़ थाना क्षेत्र में मौजूद थे और एक अपराधी नवीन यादव की हत्या की योजना बना रहे थे। इस एवज में उन्हें 1 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। गिरफ्तार अपराधियों पर हत्या और लूट के कई मामले विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस और 8 मोबाइल फ़ोन के अलावा लूटी हुई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सनमार्ग लाइव के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 17/10/2019 को पटना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी सुनियोजित ढंग से एक हत्या को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। इस सूचना पर फर्दर आसूचना एकत्रित करते हुए SDPO पालीगंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने फर्दर जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए पहले 3 शार्प शूटर्स की हथियार के साथ, 3 छोटे हथियार के साथ और कारतूस के साथ अरेस्टिंग की और उसके बाद ये हत्या जो प्लान करने में मेन जो सरगना थे उसकी और साथ में ये पूरा अपराध कारित करने के लिए लाइनर का जो 2 कार्य कर रहे थे उन अपराधियों की गिरफ्तारी, टोटल 6 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, साथ में 3 हथियार, 11 कारतूस, मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल के बारे में विशेषता बताना चाहेंगे कि मोटरसाइकिल जो है ये अरवल से इस मोटरसाइकिल की जो है लूट हुई थी कुछ दिन पहले ही, जिसमें अरवल में एक कांड जो है दर्ज है और इसमें अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि इसमें से 3 अपराधकर्मी जो शार्प शूटर्स हैं जिनको हत्या करने के लिए जो है गोली मार करके सुपारी दे करके इन लोगों को लिया गया था, उनके विरुद्ध कई केसेस जो हैं अरवल और पालीगंज में दर्ज हैं प्रॉपर्टी क्राइम के 392-395 के, जिसमें से लेटेस्ट जो है यही आपका जो मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी अरवल में और एक CSP संचालक के साथ लूट हुई थी, ये दोनों शामिल हैं।